न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। बीती शाम सागर जिले के केसली में पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 40 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपियों ने जीप में बाइक की नंबर प्लेट लगा रखी थी। इस पूरे मामले में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल केसली थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नरसिंहपुर की ओर से गांजे से भरी जीप सहजपुर होते हुए केसली की ओर आ रही है। खबर मिलते ही केसली थाना पुलिस सक्रिय हुई और टीम ने जब घेराबंदी की तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा करते हुए दो आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के साथ जीप में करीब 40 किलो गांजा बरामद किया है। मामले में पुलिस ने जांच की तो जीप का रजिस्ट्रेशन नंबर भी फर्जी पाया गया और उसमें बाइक की नंबर प्लेट लगी मिली। केसली थाना प्रभारी कृपाल मार्को ने जानकारी देते हुए बताया कि जीप में सवार आरोपी टीकाराम पुत्र श्रीराम पटेल उम्र 28 वर्ष और नरेंद्र पुत्र सुरेश राय उम्र 35 वर्ष दोनों निवासी केसली को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गांजा लाने और खपाने के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। हम लोग को सूचना मिली थी कि नरसिंहपुर तरफ से एक गाड़ी है जो गांजे लेकर आ रही है, गांजे का अवैध परिवहन कर रही है। उसके आधार पर उन्होंने सहजपुर पे चेकिंग लगाई थी, जिसमें पुलिस ने एक मार्शल जीप से लगभग 40 किलो गांजा जब्त किया है, लगभग 4 लाख रुपए का। और इसमें दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, टीकाराम पटेल और नरेंद्र राय। केसली से राहुल राजपूत के साथ योगेश विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।